नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव का। जहां मुंबई यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ उस पर बीजेपी के लिए बुरी खबर है, यानी कि यूबीटी ने बाजी मारते हुए 10 में से 10 सीट जो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना ने जो है जीत हासिल कर ली है। इसको लेकर जो है अब चुनावी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र की जो चुनावी हलचल है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई दिख रही है, खासकर मुंबई के लिए। मुंबई जो है विधानसभा की 36 सीट हैं और वहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी चुनाव में इस तरह से एक तरफा जीत से जो है यूबीटी जो है काफ़ी मतलब कि खुश है, काफ़ी जोश में है। वहीं बीजेपी के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बड़ा सेटबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारा जो है चर्चा का विषय यही है कि आखिर में मुंबई यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट जो वहाँ से ग्रेजुएट किए हुए लोग जो वोट देते हैं वो एक तरफा जीत कैसे मतलब यूबीटी को कैसे दिए हैं। हमारे साथ में दयानंद देने जी, हम इनसे ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव का सिस्टम क्या है और इसमें वोट कौन करते हैं और ये जो जीत हुई है यूबीटी को कैसे जीत उनको उनकी तरफ जाती हुई दिख रही है, क्या इसके पहले भी इस तरह का कुछ हुआ था। सर स्वागत है, क्या कहेंगे आपको इस जो चुनाव हुई थी सीनेट की चुनाव मुंबई यूनिवर्सिटी की 10 में से 10 सीट जो है यूबीटी को जाती हुई जो दिखी जो तो जोश में हो तो हो गए तो लग रहा कि अभी तुरंत विधानसभा चुनाव होने चाहिए। देखिए, कल मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट के जो चुनाव हुए थे जी 3 दिन पहले, उसका रिजल्ट कल आया और उस रिजल्ट में युवा सेना जो शिवसेना की यूथ विंग है जी, तो युवा सेना चुनाव लड़ी थी वो, और उनके सामने ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संघ से जुड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई विद्यार्थी संगठन है, उन दोनों के बीच में ये सामना था जी। और कल जो चुनाव के नतीजे आए उसमें 10 में से 10 सीटें युवा सेना ने जीती। तो जाहिर है युवा सेना के जो अध्यक्ष है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के बेटे, और उनके जो महासचिव है वरुण सरदेसाई, उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उन दोनों ने जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग वगैरह किया था ये चुनाव के बारे में, तो उस उनकी जीत हो गई है। और सबसे पहले मैं उन दोनों को बधाई देता हूँ जी, बिल्कुल युवा सेना वालों को बधाई देता हूँ कि इतनी बड़ी जीत हो गई उनकी, बहुत बड़ी जीत है। मतलब 100% उनको दस में 10 सीट जीतना तो 100% रिजल्ट हो गया उनके लिए। अभी देखते हैं ये चुनाव क्या होते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी की सीनेट जो होती है उसके ऊपर मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई भी ग्रेजुएट होए जिसके पास कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट है, सिर्फ मार्कशीट नहीं कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, वो ये चुनाव में कॉन्टेस्ट कर सकता है और वो ये चुनाव में वोट कर सकता है। और जो सीनेट इट इज़ लाइक ए कैबिनेट, तो ये जो चुन के जाते हैं लोग 10, वो उनकी कैबिनेट होती है, उनकी हमेशा वाइस चांसलर के साथ अलग अलग पहलुओं पे यूनिवर्सिटी कैसे चलाने की एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम वो सब विषय पे उनके इनपुट्स लेते हैं। तो ऐसे ही चुनाव लिया जाता है। कैंडिडेट क्यों कैसे निश्चित किए जाते हैं, कौन कैंडिडेट होते हैं इसके अंदर? मैंने वही कहा कि जो ग्रेजुएट होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से जी, जिनके पास कन्वोकेशन सर्टिफिकेट है वो ये चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें 5 सीटें होती है ओपन कैटेगरी की और बाकी 5 जो होती है वो रिजर्व कैटेगरी होती है। 2 सीटें OBC की होती है, 2 सीटें SC की होती है, 1 सीट ST की होती है। तो ऐसे मिला के 10 सीटें उनकी होती है, एक नोमैडिक ट्राइब्स के लिए होती है। अभी ये चुनाव जो थे वो असल में होने चाहिए थे अगस्त 2023 में, डिले हुआ है। हाँ, तो उस वक्त क्या हुआ था, 2022 में पहले सत्तांतर हुआ और महाआघाड़ी की सरकार गिर गई और उसके यहाँ पे महायुति की सरकार आ गई। तो उनको लास्ट एक साल से लग रहा था कि ये इलेक्शन में अगर युवा सेना जीत गई, उनकी तैयारी ज़्यादा है और अगर युवा सेना जीत गई तो उनको एक एडवांटेज मिलेगा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जी, क्योंकि एक माहौल ज़रूर पैदा होता है। तो इसके लिए उन्होंने ये चुनाव पहले आगे ढकेल दिया और आगे ढकेल के वो अभी सितंबर में होने की घोषणा की। अभी देखिए, एक साल पूरा था उनके पास में, अगर उन्होंने चुनाव आगे घसीट दिए ढकेल दिए है, एक साल में उन्होंने खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद
जो देश का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है और उनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है जी। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि उन्होंने एक साल का जो पीरियड था अभी, वो इस्तेमाल कैसे नहीं किया ज़्यादा लोगों को मेंबर मतलब रजिस्टर करने के लिए एज वोटर्स, ज़्यादा ग्रेजुएट्स को, क्योंकि एक समय में जो वोटर्स की संख्या होती थी सीनेट की वो लगभग 70-80 हज़ार के घर में होती थी, कम होते 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 अभी वो 13 हज़ार पे आ गई है। और 13 हज़ार वोटर में 55% वोटिंग हुआ, मतलब 7,200 वोट गिरे और उसमें से 6,680 वोट वैलिड निकले। तो मुंबई यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है आपको मालूम है, मुंबई की आबादी कितनी है मालूम है, ग्रेजुएट हर साल कितने निकलते हैं वो मालूम है। तो ये सब होने के बावजूद सिर्फ 6,680 वोट, अच्छा उसमें ओपन कैटेगरीज थी, उनको जीतने का कोटा आ गया 1150, 1150 जिसको वोट मिले वो ओपन कैटेगरी का ये जीत जाएगा। मुझे याद है एक साल पहले एक बैठक में मुंबई के अध्यक्ष है आशीष शेलार, उन्होंने सारे लोगों को एक अपील की थी कि विद्यार्थी परिषद के लगभग कम से कम 10,000 एक्टिव सदस्य रहेंगे मुंबई में, तो हर एक ने एक वोटर को भी रजिस्टर किया तो 10,000 वोटर हो जाएंगे जी बिल्कुल। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करके वो मीटिंग में हाजिर थे वो हम 200 लोग थे, उन्होंने कहा हम आपको टारगेट देते हैं कि आप 5 लोगों को एनरोल करो, मतलब फॉर एग्जांपल एक के आदमी के घर पे 4 ग्रेजुएट होंगे तो घर के 4 भी किए तो 800 लोग एनरोल हो सकते हैं। तो ऐसा इतना रोजी पिक्चर उन्होंने बताया था कि ये हो जाता है तो अपन चुनाव हारना नामुमकिन है जी। युवा सेना जीती उसका आश्चर्य तो है, मतलब 10-10 जीती उसका मैं इतना नहीं, क्योंकि काफी टाइम से युवा सेना ही हावी है, क्योंकि शिवसेना का जो ओरिजिनल नेटवर्क है तो इसके युवा सेना के पहले भारतीय विद्यार्थी सेना जो उनका स्टूडेंट विंग था शिवसेना का, वो ये चुनाव जीतती थी, पूरे 10-10 नहीं पर बहुमत से जीती थी, विद्यार्थी परिषद को भी सीटें मिलती थी। अभी युवा सेना है, आदित्य ठाकरे ध्यान दे रहे विशेष करके ये चुनाव में, तो वो चुनाव जीते उसका आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य ये बात का है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग पराजित हुए उनको 25% भी वोट नहीं मिले वो। तो इतनी बड़ी विद्यार्थी संगठन उसके 10 उम्मीदवार और उनको 25% भी वोट नहीं मिलते, तो बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हाँ तो बहुत बड़ा सेटबैक है, और अगर शिव युवा सेना और शिवसेना उभाठा ने इसका क्या बोलते हैं उसका प्रसिद्धि अच्छी तरह सीखी और इसके ऊपर कैपिटलाइज किया तो इसका असर थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली मुंबई की जो विधानसभा है 36 विधानसभा की सीट है उसमें जरूर असर पड़ सकता है। इसके लिए क्या इसको दोषी किस, जो बीजेपी का जो एक्टिविटी रहा है इसको किसको आप इसको कमी कहां मानते हैं? देखिए हम जो बार बार बात करते आए हैं, हमने पहले भी बात की, मोदी जी ने बताया था 370 सीट जीतने का गुरु मंत्र क्या है, तो हर बूथ पे भाजपा के 10% वोट बढ़ाओ, वो बढ़े क्या नहीं बढ़े क्यों, तो बूथ लेवल से लेके सब आलसी लोग है उधर भरे हुए, सब ने सोचा कि मोदी के नाम पे हमको मिले वोट हो जाएगा, किसी ने कुछ नहीं किया। अमित शाह जी परसों आए, उन्होंने वही दोहराया है फॉर्मूला, उन्होंने कहा है कि जहां जहां भाजपा को वोट मिले हर बूथ पे 10% बढ़ाओ तो हमें जीत हासिल हो जाएगी। काम मतलब नेतागण आके आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको टारगेट दे सकते हैं, पर असल में काम आपको करना है, तो ये समझ वो नहीं हो रहा है। और कौतुक तो मैं करूंगा युवा सेना का जो केडर है, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का केडर केडर की हम बात करते हैं तो युवा सेना का भी केडर है और उस केडर ने अभी डिलीवर तो किया है रिजल्ट, तो उनका भी थोड़ा मैं कौतुक करूंगा इसमें। खासकर 10 में से 10 सीट जीतना है, 10 में से 10 सीट जीतना बहुत अच्छी बात है उनके लिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल है इसके लिए। और इसका डायरेक्ट नतीजा, मैं कल मुंबई से आ रहा था, काफी जगह पे होर्डिंग लगे हुए थे कि पहले बेटे से लड़ो फिर बाप से लड़ने के सोचना करके उन्होंने टॉन्ट मारना तो चालू कर दिया अभी बिल्कुल। और दूसरे ने किया कि अभी महापालिका के चुनाव और आगे गए तो सरप्राइज मत होना करके और एक बैनर एक जगह पे लगा था। तो क्या लगता है कि ये जो सेटबैक है बीजेपी के लिए कितना घातक हो सकता है, बड़ा बड़ा नुकसान करेगा? नहीं देखिए क्या उनको सबक मिलती हुई दिख रही है कि इससे कुछ सीखे और विधानसभा में और अच्छा नहीं, हर चुनाव नया होता है जी। हर स्टेज का चुनाव अलग होता है, जैसे ये सीनेट का चुनाव था
महापालिका का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, पर एक चीज है, सबक अगर लिया तो लेना चाहिए, लेने जैसा है, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रेजुएट लोग होते हैं, सब पढ़े लिखे लोग आके वोटिंग करते हैं, भले आप लोगों ने इनरोल किए हैं वही लोग आपके वोटर आएंगे, तो इसका मतलब क्या कि इनरोल किए हुए पढ़े लिखे वोटर भी शिवसेना उबाटा को वोट देने के लिए कतराते नहीं है मुंबई में। एक दूसरा, डेफिनेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेटवर्क और भारतीय जनता पार्टी एज ए सपोर्टिंग पार्टी और उनकी जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार की, उन कहीं ना कहीं वो उनकी कमी तो रह गई है ये चुनाव में, या तो ध्यान नहीं दिया या तो हल्के में लिया। बिल्कुल सही, हल्के में लिया है। नैनी जी धन्यवाद आपके इस जानकारी के लिए। तो देखा जाए कि फ्रेंड्स की लोकसभा चुनाव का जिस तरह से उन्होंने पूरा व्यवस्था की था उसका रिजल्ट किस तरह आया, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया है, खासकर ग्रेजुएट लोग जो वोट देते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पास किए हुए, उनकी ये स्थिति है कि उन्होंने उबाटा को जो है 10 में से 10 सीट जीतने का पूरा मौका दिया, और ये सेटबैक तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा माना ही जा रहा है। अब इससे क्या सबक लेते हैं बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां, ये आने वाला समय की बात है, लेकिन समय बहुत कम है, सोचने का भी समय कम है, तो ऐसे में जो एक एक जो फटके लग रहे हैं उससे अगर सबक नहीं लेंगे तो विधानसभा चुनाव भी इसी तरह निकल जाएगा, अब इन्हें पता भी नहीं चलेगा, और हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, बैठक करेंगे, हम नहीं इनके जो जो हारने वाले लोग हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल द भारत का। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।